हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ माय डिस्कार्डेड लिपस्टिक का। और इनमें से कुछ लिपस्टिक तो एक्सपायर डेट हो गई हैं, काफ़ी लंबे टाइम हो गए इसलिए डिस्कार्ड हो गई हैं, और कुछ मुझ पर अच्छी नहीं लगती हैं, वो मेरी वर्स्ट परचेज थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको शेयर करूँगी मेरी सबसे वर्स्ट लिपस्टिक, एंड दिस इज़ फ्रॉम पर्पल। और ये पर्पल में मैंने शेड परचेज किया था, माई फर्स्ट डेयर 3, जी हाँ। और ये इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, और ये इस तरह से एक लिक्विड लिपस्टिक है, इसमें काफ़ी सारे स्पार्कल्स हैं और ग्लिटरी है। तो स्पार्कल्स ग्लिटरी लिक्विड लिपस्टिक मुझे नहीं पसंद आती है, इसमें अगर स्पार्कल नहीं होते तो फिर भी मैं इसको किसी तरह से चला लेती, बट इसमें स्पार्कल्स हैं तो मैं इसे नहीं चलाने वाली हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट लिपस्टिक है जो मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ, और ये सभी सिलेक्टेड है। और मेरी ऑल लिपस्टिक कलेक्शन का वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, और अगर आपको और भी जल्दी देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, ये मेरी फर्स्ट लिपस्टिक है। सेकेंड लिपस्टिक जो है वो मैंने अपनी शादी में परचेज़ करी थी, और अपनी शादी में ना मैंने कुछ सिलेक्टेड कलर्स परचेज़ किए थे जो मस्ट हैव हैं, जैसे कि रेड। जैसा कि मेरा वेडिंग ड्रेस, आप ना कितना भी पार्लर करें, ब्यूटिशियन करें, पर है ना, आप लोग अपनी शादी में जो आपका मेन वेडिंग ड्रेस है ना, उससे मैचिंग लिपस्टिक जो भी आपको लगानी हो वो एक बैकअप में ज़रूर रखें। सो मैंने कल रखी थी ये कलर बार वेलवेट मैट से ऑल फायर्ड अप 83, दिस इज़ द लिपस्टिक। और ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रेडिश से थोड़ा सा डार्क की टोन की तरफ जाता है, लाइक चेरी रेड जो कलर होता है वो होता है, क्योंकि मेरा वेडिंग ड्रेस उसी कलर का था। और ये मुझे बहुत कम आई, क्योंकि जब मेरे शादी में थोड़ा तूफान जैसा माहौल हो गया था, तो ब्यूटिशियन की सामान काफ़ी सारे डिस्टर्ब हो गए थे, और उससे मेरे मैचिंग की लिपस्टिक मिली ही नहीं थी, तो मुझे ये काम आई थी। इसलिए मैं हमेशा आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप बैकअप में अपने पास, अपनी वेडिंग में तो बिल्कुल रिस्क ना लें, अदरवाइज़ तो इधर उधर एडजस्ट हो ही जाता है। नेक्स्ट मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी की दिस कलर, और ये कलर मुझ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब मैंने इसे स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम लिया था तो ये मुझ पर ठीक लगी थी, बट अब मुझ पर पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती है, बहुत ही बेकार सी लगती है। सो मैं इसे डिस्कार्ड करने वाली हूँ। और कलर और नेक्स्ट जो लिपस्टिक है वो है मेरी लोटस से, लोटस प्योर कलर, और ये मैंने पर्की पीच कलर लिया था 690, और ये मैंने न्यूड कलर अपनी शादी में परचेज़ किया था। सो आप देख सकते हैं, इसे मैं मिक्स एंड मैच करके भी यूज़ किया है काफ़ी, और ये आधी फिनिश हो चुकी है, और इसे मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ, क्योंकि इसे मैंने अपनी शादी में परचेज़ किया था और ये एक्सपायर हो चुकी है। तो मेरी शादी में जो जो भी लिपस्टिक मैंने परचेज़ करी थी वो भी इसमें है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसको शादी से हम 4-5-3 महीने पहले ही चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो इनको ऑलमोस्ट 3 से 3.5 साल हो चुके हैं। सो मैं इसे डिस्कार्ड कर रही हूँ। एंड सेकेंड अगेन मैंने लोटस से ही परचेज किया था, मैंने किया था रेड कलर, क्योंकि मेरे पास जो कलर बार का जो कलर था वो काफ़ी मरू डार्क टोन की तरफ था, तो मुझे एक टेंजरीन रेड कलर की आवश्यकता थी, जिसे मैं डेली यूज़ में शादी के बाद 1 महीना 2 महीना या जैसे भी ऑफिस में या फिर घर में वियर कर सकूँ, तो मैंने ये कलर लिया था। सो ये है प्योर कलर मैट 591 इलेक्ट्रिक टैंग, और ये काफ़ी अच्छा कलर है, काफ़ी रिच पिगमेंटेशन देता है, सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये प्योर मैट रेंज से है, एक मैंने विदाउट मैट लिया था, एंड इसी रेंज से प्योर कलर मैट से मैंने एक न्यूड शेड लिया था, न्यूड शाइन 592, और ये इस तरह का शेड है, यू कैन सी, ये थोड़ा सा डार्क टोन की तरफ जाता है। सो मैंने इसे भी परचेज किया था, और इसे भी मैंने एवरीडे ऑफिस वगैरह के हिसाब से या फिर घर में लगाने के हिसाब से परचेज किया था। एंड सेकेंड मेरी वर्स्ट प्रोडक्ट जो आता है वो आता है PAC पैक से, दिस इज़ द पॉट लिपस्टिक, और ये 350-400 के बीच में है। सो ये आप परचेज मत करिएगा, इट्स अ टोटली मनी वेस्ट लिपस्टिक। आप देख सकते हैं, इसे आप कितना भी लगाएं, आप एक तो ये मैट है तो आपको इसको लगाने से पहले लिप बाम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छे से फैलती भी नहीं है। और सेकंड चीज़, इसका जो मैंने परचेज़ किया था वो मैंने रेड नेम देख के परचेज़ किया था, पर ये कलर मुझे मिला, सो नाम की वजह से भी कन्फ्यूज़न हो गया था, और इसका पिगमेंटेशन भी उतना अच्छा नहीं है। इसके साथ एक ब्रश भी आया था लिप अप्लाई करने का, सो ये मुझे डेफिनेटली काम आ रहा है, क्योंकि पैक के जो ब्रशेज होते हैं, मेकअप ब्रशेज, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्वालिटी होती है। सो मैं ब्रश ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ अनादर लिपस्टिक के पर्पज़ से, अदरवाइज़ मैं इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती, और इसे मैंने मुश्किल से 1 या 2 बार स्टार्ट यूज़ किया होगा। आप इसका पिगमेंटेशन देख सकते हैं, मैं अपने हैंड पर आपको स्वेच करके बता देती हूँ, दिस इज़ द पिगमेंटेशन, और ये आप कलर देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, कि मुझे ये लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं आई है। सो मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगी, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं नहीं रिकमेंड करूँगी। एंड नेक्स्ट जो मेरा लिपस्टिक है वो है
मेकओवर प्रोफेशनल, दिस इज़ द लिपस्टिक। और मैंने जैसा कि कहा था कि वेडिंग में आपके पास मैचिंग लिपस्टिक होनी चाहिए, तो ये मेरी वन ऑफ ड्रेस से मैचिंग लिपस्टिक थी। सो वो काफ़ी हैवी थी और मुझे किसी एक फंक्शन में पहननी थी तो मैंने ली थी। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ब्यूटिशियन के पास ऑलरेडी उस मैचिंग का कलर अवेलेबल था। सो ये शेड मैंने लिया था मैजेंडा मैजिक और 032, दिस इज़ द लिपस्टिक। और ये मैं मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ क्योंकि इतनी डार्क लिपस्टिक आपको बड़े फंक्शन या वेडिंग में के अलावा बहुत कम ही काम आती हैं, तो मैं इसे मिक्स एंड मैच करके वीडियोस बनाते टाइम अक्सर लगाया करती थी। सो मेरा नेक्स्ट वर्स्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम कलबार न्यूडिट रेंज से, मैंने शेड लिया था 001 एक्सपोजी, 750 से 800 रुपये की लिपस्टिक है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, इसी वजह से मैंने इसे परचेज़ किया था, अदरवाइज मैं नहीं करती क्योंकि ये कलर मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं होता है। यू कैन सी ये बहुत आप पर, अगर आप पिंकिश टोन में अगर आपका है तो आपका आपको सूट हो जाएगा, अदरवाइज मुझसे फेयर वाले को सूट हो जाएगा, मुझे तो नहीं सूट हुआ है ये। और सेकेंड चीज़ की इस लिपस्टिक को भी मैं इसमें इन दोनों को मैच करके लगाती हूँ तो अब दोनों को ही मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। सो माय नेक्स्ट लिपस्टिक इज अफकोर्स लैक्मे एनरिच क्रेयोन, जो कि मैंने फर्स्ट क्रेयोन परचेज किया था और ये एक मोविश कलर है। और इसी के साथ ये 185 रुपये समथिंग का आया था, उसके साथ मुझे एक शॉपनर भी फ्री मिला था। इसके बाद मैंने जितने भी क्रेयोन परचेज करे किसी के भी साथ शॉपनर मुझे फ्री नहीं मिला, ऑफर खत्म हो चुकी थी। तो ये मेरा लिपस्टिक है और इसे मैंने इतना ख़त्म कर दिया है यूज़ करके। तो दिस इज़ द लिपस्टिक। और नेक्स्ट लिपस्टिक जो है मेरी वो है बेला वोस्टे से लिप ग्लॉस, एंड दिस इज़ द बेला वोस्टे। और ये बहुत लिप्स पे चिपचिप करता है, मैंने इसे एज अ ग्लॉस परचेज किया था कि लिपस्टिक को अगर मैटिफाई लिपस्टिक को ग्लॉसी बनाना है तो मैं इसे यूज़ करूँगी, बट ये इतना चिपचिपी और स्टिकी होता है कि एटलीस्ट आप फंक्शन में जब भी इस तरह की लिपस्टिक या लिप ग्लो लगाते हैं तो आपका बोलना खाना पीना सब होता है, उस दौरान अगर आपकी लिप्स चिपचिप करें तो बहुत इरिटेट फील होता है। सो मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगी। नेक्स्ट मेरा वर्स्ट प्रोडक्ट जो परचेज किया था वो मैंने किया था NYB कि मैंने 4 लिपस्टिक्स परचेज करी थी, बट उनमें से ये 2 हैं जो मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूंगी बिल्कुल भी क्योंकि ये बहुत ही अनइवनली लगती है। सो एक तो दिस शेड एंड सेकंड दिस शेड, ये एक ऑरेंज शेड है, शेड में बता देती हूँ आपको, माई NYB आई एम द बूम बॉक्स टाइप, और इसका जो शेड है वो हट चुका है। सो इन दो ओके मैं बता देती हूँ आपको, इसका एम्पायर स्टेट वर्दी दिस इज़ द शेड, और ये दोनों मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, ये बहुत अनइवन और वर्स्ट लगती हैं। ये कलर बहुत प्रिटी है बट ये बहुत लिप्स पे अजीब लगता है और बहुत एक्सट्रीम नियॉन लगता है, सो ज़्यादा नियॉन कलर मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा शेड लिपस्टिक है वो है 925 क्रीजलेस लिपस्टिक, दिस इज़ द क्रीजलेस लिपस्टिक, ये है CP6 कैंडी कमीशन, और ये इस तरह का कलर है। ये मेरी शादी से भी मैंने 6-7 महीने पहले परचेज किया था, आई डोंट नो एवरीडे हिसाब से या पता नहीं क्यों, पर इसमें ग्लिटर पार्टिकल्स हैं और उस वक्त ही मुझ पर अच्छी लगती भी थी क्योंकि लाइट कलर अनमैरिड पे लाइट कलर टीनेजर कॉलेज टाइमिंग में आप अगर लाइट कलर लाइट शेड लगाते हैं तो वो प्रिटी लगते हैं क्यूट लगते हैं, बट आफ्टर मैरिज आप इतने लाइट कलर अगर साड़ी और हैवी सूट पर लगाते हैं तो बहुत बेकार लगते हैं। सो मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगी, इसे मैं अब डिस्कार्ड कर रही हूँ। एंड माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ मैंने जो नेक्स्ट लिपस्टिक ली थी वो बाई मिस्टेक ली थी, एंड दिस इज़ कलर कन्फ्यूजन की वजह से ले ली थी, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान था क्योंकि ये लिपस्टिक 750 या 850 की आती है, और ये है लैक्मे अर्गन ऑयल से ऑरेंज कलर, और ये मुझे लेना था रेड बट मैंने ये परचेज कर लिया ड्यूई ऑरेंज क्योंकि आई डोंट नो कैसे ऑर्डर हो गया था, उसके बाद एक्सचेंज ऑफर हो नहीं सकता था, सो मैं इसका डिस्कार्ड कर रही हूँ। इसे मैंने एक दो बार यूज़ किया है बट ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट है पर्पल क्रेयोन, इसमें 4 क्रेयोन्स हैं, उसमें से 2 मैंने ऑर्डर किए थे, एक मुझे बहुत अच्छा लगा बट ये ब्राउन कलर में बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसे डिस्कार्ड कर रही हूँ कि आप कितना भी हैवी लिप बाम लगाएं ये लिप्स पर बहुत अनइवन लगती है। कलर तो ठीक है ओके है, अगर आप लोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बहुत हाई मैट है HD मैट है, सो आपके लिप्स पे इसको लगाना ही इतना मुश्किल हो जाएगा कि लगाते लगाते ही बहुत अनइवन हो जाएगा, तो मैं इसे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी और ना मैं इसे रीयूज करने वाली हूँ, कभी यूज इस्तेमाल करने वाली हूँ, सो मैंने इसे डिस्कार्ड कर दिया है। नेक्स्ट जो लिपस्टिक है वो मैंने अपनी शादी में परचेज करी थी फॉर एवरीडे पर्पस, ऑब्वियसली रेड रानी और न्यूड कलर के बाद एक पिंक और पिच कलर तो बनता ही था, तो मैंने ये 2 अपनी शादी में परचेज करी थी, जिसमें से ये है लोटस इकोस्टे
कोरल कैंडी 534 और ये काफ़ी 550 या 650 की लिपस्टिक थी। इसे मैंने इतना यूज़ किया है और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। मैंने इसे ज़्यादा यूज़ किया है, आधी तो ख़त्म हो गई थी बट ज़्यादा ख़त्म नहीं हुई है। और ये लिपस्टिक मैं हाईली सजेस्ट करूँगी, आपके पास इसका वन शेड होना ही चाहिए। लिपस्टिक बहुत अच्छी है, मैट है, काफ़ी अच्छा लुक देती है। सो मैं इसे सजेस्ट करूँगी आप लोगों को, आप इसे ज़रूर रीपरचेज आप परचेज कीजिएगा इसका एक शेड। सो मेरा नेक्स्ट लिपस्टिक था दिस वन, और इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो लिपस्टिक है वो मैंने परचेज किया था थोड़ा ब्राइट कलर के लिए, लैक्मे एनरिच मैट PM11। तो ये है एनरिच मैट शेड और दिस इज़ द शेड, और ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। आप देख सकते हैं ये अंदर जा चुका है, पूरी तरह से बैठ चुका है। सो मैं इसे आप देख सकते हो बिल्कुल अंदर अंदर जा चुका है ये। सो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा है। सो मैं इसे हाईली सजेस्ट करूँगी, ये बहुत अच्छा कलर है, मैं इसे रीपर्चेज डेफिनेटली करूँगी। 250 से 300 जब मैंने ली थी तब 250 प्राइस था, अब इसका 299 प्राइस है, तो आप इसमें जा सकते हैं। सो ये मुझे बहुत पसंद है और मैंने ज़्यादातर फंक्शंस में, मेरे वेडिंग के जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं छोटे बड़े करके, तो बड़े बड़े फंक्शन में डार्क लिपस्टिक और उस बाकी अनादर में मैंने यही लगाया था। इवन मेरे महिला संगीत में भी मैंने यही लिपस्टिक लगाई थी। मुझे लिपस्टिक के मामले में अपनी ही चॉइस चाहिए होती है, चाहे ब्यूटिशियन हो या कोई भी हो। सो ये मेरे सारे लिपस्टिक्स वर्स्ट और डिस्कार्डेड लिपस्टिक थे, उनमें से मैं दो लिपस्टिक आप लोगों को हाईली सजेस्ट करूंगी, और वो है लैक्मे एनरिच मैट लिपस्टिक एंड सेकेंड लोटस इकोस्टे का ये वाला रेंज, आप इसमें ज़रूर जा सकते हैं। इन दो लिपस्टिक को मैं हाई सजेस्ट करूंगी, अदरवाइज ऐसा कुछ इन लिपस्टिक में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको हाईली सजेस्ट करूं। सो ये मेरी ऑल लिपस्टिक थी, और थर्ड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कलर बार वेलवेट मैट से, आप कोई भी शेड परचेज कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा कलर है। सो ये थी मेरी ऑल डिस्कार्डेड लिपस्टिक। आई होप आपको मेरी ये डिस्कार्डेड और वर्स्ट लिपस्टिक का कलेक्शन अच्छा लगा होगा, और जिसे मैं अब थ्रो करने वाली हूँ। सो थ्रो करने से पहले मैंने सोचा आपको सजेस्ट कर लूँ, ताकि आप इनमें से कुछ वर्स्ट प्रोडक्ट ना परचेज करें और डिस्कार्डेड जो रीयूज़ करने वाले प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली परचेज कर सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।